नाजरी इकराम, ऑल इंडिया मजलिस इनकलाब मिल्लत के नेशनल ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी और शहर हैदराबाद के स्पोक्स पर्सन हल्के असम्बली राजेंद्र नगर के इंचार्ज अब्दुल माजिद अत्तार ने फिर से सोशल मीडिया पर एक धमाकेदार बयान देते हुए उन्होंने कहा है कि मरकज़ी हुकूमत को चाहिए कि मरकज़ी हुकूमत सल्तनत मुगलिया में बनाई गई तारीखी इमारतों का 40% मुस्लिम अवाम में खर्च करे। उन्होंने इस तरीके का ये डिमांड मरकज़ी हुकूमत से की है। आइए देखिए नाज़रीन, नया इनकलाब न्यूज़ ब्यूरो की जानिब से एक रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे हैं अब्दुल माजिद अत्तार का ये बयान जो सोशल मीडिया पर काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है और मरकज़ी हुकूमत से डिमांड करता हुआ ये बयान हम आपको सुना रहे हैं। मैं मोहम्मद हाजी अली, आप देख रहे हैं नया इनकलाब न्यूज़। अहम तरीन ताज़ा तरीन खबरों से बाखबर रहने के लिए चैनल को यूट्यूब पर ज़रूर सब्सक्राइब करें, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर ज़रूर फॉलो करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। मेरे प्यारे हिंदुस्तानियों, हिंदुस्तान के हिंदू मुसलमान दलित सिख क्रिश्चन ईसाई सबके सब हम भाई भाई, मेरे प्यारे हिंदुस्तानियों अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू, नमस्ते, सत श्री अकाल, वड़कम। मैं ऑल इंडिया मजलिस इंकलाबे मिल्लत का नेशनल ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी अब्दुल माजिद अत्तार और हैदराबाद स्पोक पर्सन राजेंद्र नगर कॉन्स्टिट्यूएंसी इंचार्ज बात कर रहा हूँ। AIMIM इंकलाब पार्टी का डिमांड है कि इंडियन रूलर्स के जो भी मोनूमेंट्स है, जो भी यादगारें हैं, जैसा रेड फोर्ट है, लाल किला है, कुतुब मीनार है, फतेहपुर सिकरी है, बीजापुर के टॉम्स है, चार मीनार है, गोलकुंडा किला है, इसकी जो भी इनकम, इसका जो रिवेन्यू जनरेट होता है इंडियन गवर्नमेंट को, इसमें से जो है मुस्लिम कम्युनिटी को 40% इनकम में से दिया जाए ताकि मुस्लिम कम्युनिटी को अपलिफ्ट करने में आसानी हो। AIMIM इंकलाब पार्टी, मैं अब्दुल माजिद अत्तार हैदराबाद से इंडियन गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करता हूँ और तेलंगाना गवर्नमेंट से भी, ऑनरेबल CM से भी रिक्वेस्ट करता हूँ, हमें जो हमारे औकात की प्रॉपर्टी में जुडिशियल पावर दिया जाए ताकि हमारी मुस्लिम कम्युनिटी को अपलिफ्ट किया जाए। अगर मुस्लिम कम्युनिटी डेवलप होगी तो भारत डेवलप होगा, भारत डेवलप होगा तो हम विश्व गुरु बन सकते हैं, हमें विश्व गुरु बनने से कोई रोक नहीं सकता। मगर इसके लिए इंडियन गवर्नमेंट को ये बात पर गौर करना होगा, जितने भी मुस्लिम मोनूमेंट है उसकी इनकम का हमें 40% दिया जाए और तेलंगाना गवर्नमेंट के ऑनरेबल CM से हम रिक्वेस्ट है, बार बार डिमांड किए हैं कि जो है हमारी वक्फ की प्रॉपर्टी में जुडिशियल पावर दिया जाए ताकि हम जो है इसकी आमदनी से हमारी कौम को अपलिफ्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।